नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके मैथ एजुकेशन YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RRC ग्रुप डी 1 लाख भर्ती जो निकली है, इसमें कुछ दो बदलाव हुए हैं जिसे अभी जान लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी और आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में घंटी का चिन्ह है उसको भी दबा लेना, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों, जान लेते हैं RRC ग्रुप डी रिक्वायरमेंट जो निकली है आपकी 1 लाख। RRC ने हाल ही में रेलवे में ग्रुप डी की 1 लाख भर्तियों का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें दो बदलाव किए गए हैं, जिसमें नए बदलाव के तहत RRC ने नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 14.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा PT में एक पॉइंट जोड़ा है, जिसमें PT में जोड़े गए नए पॉइंट में लिखा है कि PT दो चरणों में होगा। पहले चरण में उम्मीदवार को एक तय वजन को एक निश्चित दूरी लेकर जाना होगा, इसमें सफल उम्मीदवारों को ही अगले चरण दौड़ में भेजा जाएगा, और वजन उठाने वाले टेस्ट के कुछ देरी के बाद दौड़ वाला टेस्ट होगा। दोनों टेस्ट के बीच उचित रिकवरी गैप होगा। वजन उठाने वाले टेस्ट में परीक्षार्थियों को कमर की ऊंचाई वाले एक बेंच प्लेटफॉर्म में एक रेत का कट्टा व बोरी उठानी होगी, उसे उठाकर तय दूरी तक ले जाना होगा। परीक्षार्थी रेत की बोरी को कैसे भी पकड़ सकता है, लेकिन उसे लक्ष्य तक पहुंचाने से पहले ज़मीन पर नहीं रख सकता, यानी बोरी ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए। दूसरा बदलाव है आपका, RRC ग्रुप डी की नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 16.1 में एक पॉइंट जोड़ा है, जिसमें नए पॉइंट में कहा गया है कि अगर 10वीं की सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ITINC के सर्टिफिकेट या मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है तो उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर लिख सकते हैं। दोस्तों, ये थे दो बदलाव। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और बाजू में घंटी का चिन्ह जरूर दबाएं। इसमें 1 सेकेंड लगेगा भाई आपको सब्सक्राइब करने में, और इस तरीके से नई नई वीडियो आपको अपडेट होती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।